रणबीर कपूर की रामायण को लेकर बड़ा अपडेट बाहर आया है। बोला जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग कल से शुरू होने वाली है, लेकिन रणबीर कपूर के बिना ही। जी हां, जहां कहा जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग अगले साल तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, वहीं आपको बता दें कि मेकर्स तो फिल्म को फ्लोर पर लेकर आ चुके हैं और इसका विशाल मुहूर्त कल होने वाला है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है। बताया जा रहा है कि नितेश तिवारी 2 अप्रैल से रामायण के लिए शूटिंग शुरू तो करेंगे। शुरुआत में वो रामायण के इंट्रोडक्शन सीन्स की शूटिंग करेंगे, जिसमें भगवान राम के बचपन के दिनों को दिखाया जाएगा। जब से नितेश तिवारी ने रामायण को लेकर बातें की है, तभी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें भगवान राम का रोल रणबीर कपूर, सीता के रोल में साई पल्लवी और रावण का रोल यश करते नजर आने वाले हैं। वहीं सनी देओल का नाम भी इससे जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो रामायण में हनुमान का रोल निभा सकते हैं, मगर 2 अप्रैल से शुरू होने वाले इस शूट में ये स्टार्स नजर नहीं आएंगे, बल्कि नितेश कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ रामायण की शूटिंग शुरू करेंगे। पहले प्रभु राम और उनके भाइयों के बचपन का हिस्सा शूट होगा। हालांकि ये चाइल्ड आर्टिस्ट कौन होंगे, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पिंक विला ने अपने एक रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया है कि 2 अप्रैल से रामायण का शूट शुरू होगा। रिपोर्ट में सोर्स के स्टेटमेंट को कोट करते हुए लिखा गया है कि नितेश तिवारी और उनकी टीम 2 अप्रैल से मुंबई में रामायण के शूट के लिए तैयार है। इसके लिए फिल्म सिटी में एक सेट बनाया गया है, जहां पर फिल्म का शूट शुरू होगा। वहां पर गुरुकुल का सेटअप तैयार किया गया है। सेट पर ग्रीन स्क्रीन यानी कि क्रोमा का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। वहीं सोर्स की माने तो नितेश तिवारी और उनकी टीम अभी इंट्रोडक्शन सीन ही शूट करेंगे, जिसमें रणबीर कपूर शामिल नहीं होंगे। अगले हफ्ते रणबीर लॉस एंजलिस के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो 3D स्कैन्स का फाइनल राउंड पूरा करेंगे। बीते कुछ वक्त में वो कई बार इसी सिलसिले में लॉस एंजलिस जा चुके हैं। इस बार ये उनका फाइनल राउंड होगा, जो पोस्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा। मिड अप्रैल में रणबीर कपूर फिल्म का शूट शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम नवमी यानी कि 17 अप्रैल को फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा सकता है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।